संगीत की दुनिया का नायाब सितारा स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। 6 फरवरी को जब स्वर कोकिला के निधन की दुखद खबर आई तब पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी। लता मंगेशकर जी की अंतिम यात्रा में भी भावनाओं का जन सैलाब देखने को मिला था। लता मंगेशकर को भारत ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी खूब प्यार मिला। लता मंगेशकर और उनके परिवार को संगीत का पर्याय माना जाता है। पूरे मंगेशकर परिवार ने बेहद श्रद्धा के साथ संगीत की साधना की है। लता जी अब हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी तीसरी पीढ़ी भी खुद को संगीत साधना के लिए समर्पित कर चुकी है। दरअसल लता जी ने खुद अपनी तीसरी पीढ़ी को संगीत के लिए तैयार किया है ताकि वह संगीत की विरासत को ईमानदारी के साथ आगे बढ़ा सकें। मंगेशकर बहनों लता, उषा, आशा, मीना और उनके भाई हृदयनाथ ने संगीत की दुनिया में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। लेकिन अभी तक मंगेशकर परिवार में तीसरी पीढ़ी के गायकों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लता और आशा अपने बच्चों और पोते पोतियों को बचपन से संगीत का ज्ञान देते आ रहे हैं। दोनों बहनों के बच्चे संगीत की दुनिया में कदम भी रख चुके हैं। हालांकि अभी तक उन सभी को वो मुकाम हासिल नहीं हुआ है लेकिन संगीत की समझ और कला मंगेशकर परिवार के बच्चों को विरासत में मिली है। तो आज हम आपको मंगेशकर परिवार की तीसरी पीढ़ी के बारे में बताने जा रहे हैं। राधा मंगेशकर। लता मंगेशकर की भतीजी और हृदयनाथ मंगेशकर की बेटी राधा मंगेशकर को संगीत का काफी शौक है। राधा मंगेशकर ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली है और 7 साल की छोटी उम्र में ही मंच पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। राधा ने हिंदी के अलावा मराठी और बंगाली में भी गायन किया है। जनाई भोंसले। जनाई भोंसले आशा भोंसले की पोती और उनके बेटे आनंद की बेटी हैं। जनाई एक बैंड के साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने 6 पैक नामक एक म्यूजिक प्रोजेक्ट पर काम की शुरुआत की है जो भारत का पहला ट्रांसजेंडर बैंड है। जनाई संगीत की कई शैलियों में हाथ आजमाती हुई नजर आती हैं। रचना खड़ीकर शाही। रचना खड़ीकर मीना मंगेशकर की बेटी हैं। विरासत में मिला संगीत के कला के हुनर के साथ रचना ने महज 5 साल की उम्र में ही संगीत की दुनिया में कदम रख दिया था। रचना का पहला एल्बम मराठी बालगीत काफी हिट हुआ था जो बच्चों के बीच लोकप्रिय हुए। रचना स्टेज परफॉर्म भी करती हैं। बतौर चाइल्ड स्टार के रूप में रचना ने आशा भोंसले और आर डी बर्मन के साथ कोलकाता में परफॉर्म किया है।